प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नियुक्ति प्रक्रिया रद्द होना बड़ा विषय बना हुआ है और इसे लेकर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आई। बातचीत करते हैं उनसे और जानते हैं कि एक युवा विधायक के तौर पर वह किस तरह से इस समस्या को एक गंभीर समस्या के रूप में देख रही है और सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते वह आगे क्या कुछ चाहती है, क्या कुछ सरकार इस नियुक्ति नियमावली को वापस से एक बार सुनियोजित करवाने में क्या प्रयास करेगी, आप भी सुनिए अंबा प्रसाद से। नियुक्ति की मांग को लेकर आप सदन के बाहर बैठे, सरकार में आप भी हैं तो सदन के अंदर भी ये मांग की जा सकती थी, सदन के बाहर बैठने का। देखिए, ये हमारा अधिकार है कि मेरे लोकतंत्र का मंदिर है यहाँ, हमारे विधानसभा और राज्य का बात हमारा रखने का अधिकार है। हम हर जगह रखने पर विश्वास रखते हैं क्योंकि ये गंभीर विषय है और हर प्लेटफॉर्म पे इसको हम रख के और ये इंश्योर कराना चाहते हैं कि इसको स्ट्रांगली कंसिडर किया जाए और इसको तुरंत ही संज्ञान में लेके उचित कार्रवाई की जाए। सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है अभी से लेकर, क्योंकि समय काफ़ी कम है। देखिए, सरकार ने नियोजन नीति बनाई थी, उसमें बहुत मेहनत भी हुआ था, बहुत सारे विसंगतियों को भी दूर किया गया था, अब वो रद्द कर दी गई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हमारे युवाओं का इसमें कोई दोष नहीं है, युवाओं का इसमें कोई गलती नहीं है, तो युवा ही सज़ा काट रहे हैं, युवा ही झेल रहे हैं, युवा ही डिप्रेस्ड है, दुखी हैं, तो इस आलोक में युवाओं को कोई इससे चोट नहीं पहुँचे। जो भी नियुक्ति है उसको न्यायपूर्वक उस नियुक्ति को आगे बढ़ाया जाए, नियुक्ति प्रक्रिया पूरा किया जाए और युवाओं के साथ न्याय किया जाए। आज तो राजभवन बैठक भी और कहा जा रहा है कि 1932 का खतियान अगर लागू हो जाता है तो ये नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो उसके साथ बैठ जाएगी, सही बैठेगी। देखिए, अभी फिलहाल जो युवाओं का रिजल्ट रद्द हो रहा है, जो युवाओं का एग्ज़ाम सर पे है, जो युवा एग्ज़ाम दे चुके हैं, उन युवाओं का जो अभी सबसे तत्काल में जो अभी उनके लिए उनके हित में है कि अभी उनका जो नियुक्ति है उसमें बिल्कुल रोक नहीं लगाया जाए, रद्द नहीं किया जाए और जो प्रोसेस है उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाए, ये सारा प्रक्रिया चलते रहे। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।